नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 20 तारीख था और कल हम लोग के केस की हियरिंग थी, जो CC वाला मैटर था, जो ग्रुप डी वाला मैटर था, उसकी कल हियरिंग थी। और कल क्या क्या हुआ आज की इस वीडियो में हम स्पष्ट तरीके से आपको बताएंगे। और हालांकि अंकित जी ने बता भी दिया होगा आप लोगों को, मैं कुछ कार्डवश वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि मैं घर पर नहीं था। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, बहुत ज़्यादा मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगा, आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। बाकी आप लोग जो है बस हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि क्या क्या हुआ आप लोग को भी जानने का पूरा हक है, क्योंकि आप लोग के सहयोग के बिना ही हम जो है आज इतने सारे कोर्ट में केस किया हम लोगों को, और हम लोग का केस इतना हाईलाइट हुआ, सब आप लोग की बदौलत ही हुआ। तो दोस्तों, मैं बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कल हमारे जो एडवोकेट सर हैं, हमारे अंकित जी हैं, और जो मीना करके था एक कैंडिडेट, वो जो है कैट कोर्ट में मौजूद थे। और कल हमारे एडवोकेट श्रीकांत जी ने अपने पूरे मन तन से जो है पूरे अच्छे ढंग से जो है केस को रखा, चाहे वो जो सीटें वैकेंट थी वो मैटर हो या फिर जो EWS वाला मैटर हो, सभी मैटर्स को अच्छे से हमारे एडवोकेट सर ने जज के सामने रखा। लेकिन क्या है कि जज जो है ना, वो जो कट ऑफ डेट है 12 अप्रैल 2019, उसको लेकर के बैठ गया। और इसी बात को लेकर के दोस्तों, हम लोगों ने जो पिछली बार जब कैट कोर्ट में केस किया, दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस किया, जब वहाँ पर हम लोगों ने केस किया, तो उसी बात को लेकर के जो वहाँ के जज थे वो इसी बात पर अड़ जाते थे कि आपका जो कट ऑफ है वो 12 अप्रैल 2019 है। और इस बार भी दोस्तों जो है, इतनी सारी आर्गुमेंट्स करने के बाद भी जो जज है वो सुनने को तैयार नहीं है कि जो है कट ऑफ डेट के बाद भी बच्चों को मिलना चाहिए उनको। ये बिल्कुल भी जो है मतलब इस बात का एहसास नहीं है कि 4 साल से रेलवे एग्ज़ाम नहीं करा पाई, जो CCA कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं रेलवे का हिस्सा है, उन्होंने रेलवे में अपना समय दिया है, 2 से 3 साल समय दिया है, कहीं ना कहीं वो डबल्ड स्किल हैं, इस बात को रेलवे समझ नहीं पा रही है, जो जज हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। इतने सारे आर्गुमेंट रखने के बाद भी जो है जज इस बात को नकार रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ डेट है वह 12 अप्रैल 2019 है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, हमारे एडवोकेट ने पूरी तन मन और शिद्दत के साथ अपनी बातों को रखा था, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो एडवोकेट हैं ग्राउंड लेवल पर आ करके वीडियोस भी बना करके, देखिए ऐसा कोई भी वकील नहीं करता है कि वो डायरेक्ट वीडियो बनाए और अपने कैंडिडेट को बताए कि हम इस तरीके से चीज़ें करने वाले हैं, कोई भी एडवोकेट इस तरीके से नहीं आता है सामने। तो आप ही समझिए कि हमारे एडवोकेट ने किस तरीके से आगे आया, और उन्होंने सारी चीज़ें किया भी, लेकिन आज जो है दोस्तों मई का डेट भी दे दिया है कि जो हम लोग का ये हियरिंग हुआ है, मई का डेट दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब जो है कोर्ट केस से हम लोग को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हम लोग का ये CCA मैटर, हालांकि हम लोग के कोर्ट केस से बहुत हाईलाइटेड हुआ है, आप लोगों को पता होगा कि ये जो CCA वाला मुद्दा है, हमने द्वारा, हमारे जो चैनल है वाईफाई गूगल ज्ञान, हमारे द्वारा ही इनिशिएटिव लिया गया था, यानी कि शुरुआत किया गया था, और हमारे द्वारा ही, चाहे वो गौरव सर हों, चाहे वो जनरल ज्ञान वाले हों, चाहे अंकित जी हों, सब लोग हमारे साथ जुड़े, और आज जाकर के ये CCA मैटर इतना हाईलाइट हुआ है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, टोटल 86-87 वीडियो में बना चुका हूँ कोर्ट केस से रिलेटेड जो CCA कैंडिडेट है। तो आप समझिए कि हम लोगों ने इतना प्रयास किया, और आज हम लोग को देखने की ज़रूरत है कि चाहे जीत मिले या हार, लेकिन हम लोगों ने किस तरीके से अपना जो है हक के मांग के लिए लड़ा, और हम लोगों ने पीछे नहीं हटा। बाकी दोस्तों, आगे भी जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो इसी तरीके से हम आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं। बाकी हम जो है अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को कई सारे इन्फॉर्मेशन देंगे, चाहे वो जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड कोई जॉब वैकेंसीज आए, या फिर ITI से रिलेटेड कोई वैकेंसीज जॉब आए, या फिर ITI से रिलेटेड कोई वैकेंसी आती है उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवानी हो, सारी चीज़ों को दोस्तों हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग को कराएंगे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बाकी दोस्तों, CCA कैंडिडेट के लिए हमने इस तरीके से आप लोग का साथ दिया है, तो आगे भी मैं पूरे जी जान से आप लोग का साथ दूंगा, कभी भी मैं उसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। बाकी दोस्तों, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। आई होप कि आप जो है दोस्तों हियरिंग के बारे में समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों, आप लोग का यदि कोई सजेशन या कुछ मेरे से कहना है तो आप बेशक मेरे से कह सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, हमारे जितने भी सोशल मीडियाज़ के लिंक हैं सबको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं यदि आप लोग मेरे से कोई बात करना चाहते हैं तो।
बाकी दोस्तों आई होप कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.